इस बात से वैज्ञानिक भी सहमत हैं कि हमारा शरीर ऊर्जा का भंडार है। जिस प्रकार परमाणु बम में ऊर्जा के परमाणु होते हैं और जिसके हर एक परमाणु में भयंकर विस्फोट की संभावना छिपी रहती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा का सागर समाया हुआ है। अगर एक परमाणु इतना बड़ा विध्वंस कर सकता है तो जहां करोड़ों ऊर्जाएं एक साथ संग्रहित हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर शक्ति का कितना बड़ा भंडार निहित होगा। प्राणवायु को ही हम वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा परमात्मा ने जन्म काल से ही हमारे शरीर में एकत्र कर रखी है। हमारे शरीर की ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था है कि शरीर की ऊर्जा तब तक कार्यशील नहीं होती जब तक उसे स्पंदित न किया जाए। प्राणायाम ऊर्जा के स्पंदित करने का एक उपाय है। प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर की तमाम ऊर्जाओं को संचालित करने लगते हैं और संचालित ऊर्जा घर्षण शक्ति पैदा करती है, जिसे हम जीवनी शक्ति कहते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम इस विधि को अपने जीवन में उतारते हैं कि कैसे शरीर में प्राणवायु को संचालित किया जाए, किन क्रियाओं से हम प्राणवायु को नियंत्रित करते हुए शरीर के अंग अंग में प्रेषित करें। जब प्राणायाम के माध्यम से शरीर की प्राणवायु पर हम नियंत्रण कर लेते हैं, तभी हमारा मन एकाग्र हो पाता है। शक्तिवर्धक योग मूलवंत प्राणायाम की दूसरी विधि क्या है, इसकी विधि, इसके लाभ तथा क्या सावधानी बरतें, आज हम आपको मूलवंत प्राणायाम द्वितीय करने की विधि, उसके लाभ तथा उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। मूलबंध प्राणायाम की दूसरी विधि को करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें, सुनिश्चित करें कि घुटने फर्श को मजबूती से छू रहे हों। अपनी आंखें बंद करें। अब श्वास लें। श्वास लेते हुए 5 गिनते हुए मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और गुदा की मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़ें। गुदा द्वार को अंदर की ओर सिकोड़ कर रखना ही कहलाता है मूलबंध। इस स्थिति में 5 सेकंड तक रहने का प्रयास करें, फिर मूलबंध छोड़ते हुए श्वास को भी छोड़ें। फिर श्वास लें और मूलबंध लगाएं। श्वास छोड़ें तो मूलबंध को मुक्त करें। इस प्रक्रिया को जितनी बार आप सहज महसूस करें उतनी बार दोहराएं। प्रारंभ में अभ्यास की अवधि बहुत धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। इसे 5-6 बार से लेकर 15-20 बार तक से प्रारंभ करें और सहजता के अनुसार जितनी देर कर सकें उतनी देर करें। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भावों के बीच में या आती जाती श्वास पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें। मूलबंध प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाए, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस बंध का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर रहें, इसका विशेष ध्यान दें। योग में मूलबंध प्राणायाम के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। मूलबंध सीधे मूलाधार चक्र को जागृत करता है, जिसमें कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। मूलाधार चक्र जागृत होने पर बहुत सी दिव्य शक्तियां मिलती हैं और रोगों का भी नाश होता है। यह क्रिया कामुकता पर नियंत्रण करने और कुंडलिनी उत्थान का प्रयोजन पूरा करने में सहायक विधि है। मंदाग्नि, कोष्ठबद्धता अर्थात कब्जता, बवासीर, खांसी, दमा, तिल्ली का बढ़ना, योनि रोग, कोढ़ एवं अनेक असाध्य रोग अच्छे हो जाते हैं। शरीर का भारीपन समाप्त होता है और सुस्ती मिटती है। इसको करने से उदर रोग से भी मुक्ति मिलती है। जब आप मूलबंध का अभ्यास करते हो तब आपको वीर रोग का सामना नहीं करना पड़ता है। मूलबंध प्राणायाम ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक होता है। यह अनेक यौन रोगों से मुक्ति दिलाता है। मूलबंध प्राणायाम आध्यात्मिक उत्थान के लिए, यौन ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन और साथ ही वैवाहिक जीवन को अधिक समृद्ध बनाने के लिए इस ऊर्जा को नीचे की ओर प्रवाहित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह यौन विषयक निराशा, यौन ऊर्जा के दमन और यौन संबंधी अपराध बोध से मुक्त कराने में सहायक होता है। मूलबंध प्राणायाम से मूलाधार चक्र प्रभावित होता है। मेरुदंड के निचले हिस्से से निकलने वाली तथा वहां समाप्त होने वाली सभी नाड़ियां प्रभावित होती हैं, जिससे पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मूलबंध 3 बंधों में से एक है जो प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करता है। यह बंध संस्कृत मूल से आया, जिसका अर्थ है जड़ या आधार, और बंध जिसका अर्थ है बंधन, बंध का अर्थ है बांध कर रोक देना। प्राण ऊर्जा या वाइटल एनर्जी फोर्स को सही दिशा में केंद्रित करने की यौगिक तकनीक है बंध।
बंध से आप ऐसे जगह पर ऊर्जा को संचारित कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। मूल का अर्थ है जड़ तथा बांध का अर्थ होता है बांधना। यहाँ मूल शब्द के अनेक तात्पर्य हो सकते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, कुंडलिनी का निवास स्थान, मेरुदंड का आधार या शरीर का धड़ अथवा पेरिनियम आदि। स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु को गुदा के आकुंचन द्वारा बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है उसे योगियों ने मूल बंध कहा है। मूल का एक और अर्थ है नीचे या तल की ओर रहने वाला आधारभूत या आखिरी प्रदेश। बंध का अर्थ बांधना यानी नीचे की ओर रहने वाले प्रदेश को बांधे रहना ही मूल बंध है। इस प्राणायाम में मूल बंध लगाकर प्राणायाम किया जा रहा है, इसलिए इसे मूल बंध प्राणायाम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रूट लॉक योगा ब्रीदिंग कहते हैं। यह मूल बंध प्राणायाम की दूसरी विधि है। शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जिन्हें योग और तंत्र शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चक्र ऊर्जा के अंदरूनी प्रवाह को प्रकट करते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम करते हैं। जब व्यक्ति मूल बंध का अभ्यास करता है तो यह मूलाधार चक्र को बहुत तीव्रता के साथ प्रभावित करता है। मूलाधार चक्र रीढ़ के अंतिम छोर से नीचे गुदा व जननेंद्रिय के समीप स्थित होता है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। मूल बंध की शुरुआत बहुत सावधानी पूर्वक योग प्रशिक्षक से सीख कर करनी चाहिए। इस आसन को शुरुआती अभ्यास में 5 से 10 बार तक ही करें। खुद पर इसे करने का दबाव न बनाएं। अभ्यास को सहज बनाए रखें। अगर आसन करते समय दिक्कत महसूस होती है तो बहुत धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। खूनी बवासीर या अत्यधिक कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को इसे नहीं करना चाहिए। भगंदर से पीड़ित व्यक्ति को भी इसे नहीं करना चाहिए। मूल बंध ऊर्जाओं का जागरण बड़ी तीव्रता से करता है और सही ढंग से अभ्यास न किया जाए तो अत्यधिक क्रियाशीलता के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह था मूल बंध प्राणायाम की दूसरी विधि को करने का सही तरीका, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।